हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं गाइस? आई होप अच्छे होंगे गाइस। वेलकम है मेरी वीडियो में। हेलो गाइस। तो गाइस, बहुत दिनों के बाद आज मैंने वीडियो स्टार्ट कर लिया, क्योंकि आज है 20 मार्च और मेरी हस्बैंड का बर्थडे है। और मेरी बीमार हुआ था तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, और बना के रखा है वो वीडियो में डाला नहीं है। कौन सा बीमार है क्या है तो वो मैं वीडियो बाद में डालेंगे। तो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है तो इसीलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया। और सुबह का टाइम है, अभी नहा लिया, नहा के हम जाएंगे मंदिर। आज प्रोग्राम भी है श्याम जी के मंदिर में, जो पिछले बार मैं गया था पैदल यात्रा में, इस बार नहीं जा पाया क्योंकि ये है बीमार बोल के पैदल यात्रा में नहीं जा पाया। अभी सोच रहे हैं, नहा धो के तो रेडी हो गई हूँ, अभी सोच रही हूँ जाने के लिए उधर। और मतलब हम गाड़ी में जाएंगे, बस में जाएंगे। तो नहा धो के रेडी हो गई, फिर अभी चाय बना रही हूँ। राम गिरनार में पियेंगे लाल सा, और इनके लिए देंगे हम दूध। इनको देंगे, ये है बूस्ट, तो अभी बना रहे हैं चाय। ठीक है, और मैं रेडी हो गई हूँ। और शक्ल देखिए कैसी, मैं पतली भी हो गई हूँ शायद, मुझे लगता है मैं पतली हो, मतलब मेरा शक्ल थोड़ा सा छोटा हो गया है। और अभी वीडियो स्टार्ट कर दिया, आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। बर्थडे के लिए हम इतना कुछ खास नहीं करेंगे, फिर भी जितना कुछ करेंगे तो वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी चाय पी लेते हैं, हम मंदिर के लिए निकलते हैं। अभी दो जगह मंदिर है, तो एक नज़दीक में है, एक थोड़ा दूर है। जो पैदल यात्रा जाते हैं वो दूर है। अभी क्या करते हैं अभी तक मालूम नहीं है, बस चाय पी के हम लोग भी देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी मेरी दूध चाय गिर जाएगा तो मैं ये देख लेती हूँ, चाय भी बन गया है। और गाइस देख लीजिए, हम लोग उबेर बुकिंग करके गया हुआ है। और हस्बैंड को दूर का मंदिर में, खाटू श्याम मंदिर में जाने का मन है। नज़दीक में भी एक है लेकिन उसमें मतलब उनको जाने का मन नहीं है। एकादशी भी है, इनका बर्थडे भी है, तो बोला है उधर जाने का मन है, तो वो गाड़ी बुकिंग कर लिया। तो मैं बोले चलिए फिर, लेकिन मेरा भी तबीयत इतना ठीक नहीं है बोल के, मतलब वो पैदल यात्रा में नहीं गया। गाड़ी बुकिंग करके हम लोग निकले। और रामकृष्णा को भी मन था कि उधर जाए, पैदल में यात्रा में जाने का मन था रामकृष्णा को, लेकिन हम लोग नहीं गया बोल के पैदल यात्रा में उसको भी नहीं भेजा, क्योंकि घर के लोग जाते तो अच्छा लगता है। और ये देखिए इसमें इतना ज़्यादा जाम है। जाम किस लिए है मैं आप लोगों को बताती हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ था रास्ते में, इतना जाम था क्या ही बताओ आप लोगों को। और हम लोग जिस प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं उस प्रोग्राम के कारण ही पूरा रोड एकदम बहुत जाम था, ट्रैफिक बहुत हुआ। और ये देखिए रथ, रथ में श्याम जी को लेके जाते हैं। और ये पैदल यात्रा हर मतलब हर साइड से आते हैं, हैदराबाद के वो खाटू श्याम मंदिर के लिए निकलते हैं सब, मतलब कच्ची कूड़ा में है वो मंदिर। और डाटक सब लोग पैदल यात्रा जाते हैं, 2 साल या 3 साल मैं भी गई हूँ, लेकिन इस बार मेरी तबीयत ख़राब हो बोल के हम लोग पैदल यात्रा में नहीं गया। और हस्बैंड का मन है बोल के वो बोला है चलिए चलो फिर हम निकलते हैं उबेर में ही जाएंगे, तो बोल के हम लोग भी एक उबेर बुकिंग करें, हम लोग निकलने लगी है। और ये पूरा रास्ता में देखिए ऐसा ही मतलब पैदल यात्रा होता है तो मज़ा भी आता है, सब लोग ऐसे नाच गाना करके ऐसे निकल जाते हैं। और गाइस हम लोग पहुंच गया है, और इतना भीड़ था क्या ही बताओ। और इधर हम लोग चप्पल रख के अंदर के लिए, अंदर मंदिर के अंदर के लिए हम दर्शन के लिए निकल रहे थे। और दर्शन में भी बहुत ज़्यादा भीड़ था, दर्शन में हम लोग जैसे ही लाइन लगे ना बहुत ज़्यादा, कम से कम हम लोग 1 घंटा लाइन लगे दर्शन के लिए। और इधर प्रसाद वगैरह मिलता है तो प्रसाद वगैरह खरीद के हम लाइन में लगे हैं, 4-5 लाइनें लगता है, अंदर भी लाइन है बाहर भी लाइन है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और मतलब
इसमें सब लोग आते हैं ना, हर तरफ से आते हैं हैदराबाद की, सब लोग रैली लेके आते हैं और सब लोग लोग कितना ज़्यादा है देख लीजिए। अरिहा तक आने के लिए हम लोगों का कम से कम एक घंटा लगा, फिर भी हम लोग अंदर मंदिर के अंदर में नहीं जा पाए और इसी में हम लोग रुका है। और मंदिर इतना अच्छा सजाया है ना, देखिए कितना कुछ व्हाइट कलर का फूल से सजाया है, बहुत ही सुंदर लगा। और ये जो उत्सव है ना, ये होली के कुछ दिन पहले मनाते हैं। और दर्शन हमारा हो गया अंदर, ज़्यादा वीडियो बनाने नहीं देता अंदर की मंदिर का, तो हम लोग दर्शन करके आया, इधर प्रसाद ले लिया, फिर नींबू पानी पीना है तो नींबू पानी पी सकते हैं, कोई चाय पिए तो चाय पी सकते हैं, बाहर सब कुछ इंतज़ाम करके रखा हुआ है, सब कुछ देते हैं। और फिर खाना भी देते हैं, हम लोग खाना भी खा लिया है मंदिर में, खाना खा के हम लोग मतलब देखिए क्या क्या बहुत ही सुंदर अच्छा सा खाना था, बहुत ही टेस्टी खाना। खाना खाने के बाद हम लोग उधर ही गौशाला है, गौशाला में हम लोग भी कुछ दे दिया, दे के फिर गाय को मतलब जो गाय वगैरह है ना वो उसको कुछ खाना खिलाया। उसके बाद देखिए इधर रामकृष्ण का एक चप्पल मतलब गुम हो गया, नहीं मिल रहा था, बाद में बहुत ढूंढने के बाद इधर उधर मतलब चप्पल वगैरह इधर भगाते हैं ना लोग, तो ऐसे मिल गया है बाद में चप्पल। और उसके बाद हम लोग फिर से गाड़ी बुकिंग करें, हम लोग घर के लिए निकला, हम लोग जल्दी जल्दी हो गया है, मतलब 12 बजने से पहले हम लोग घर आ गया है। और ये देखिए पूरे रास्ते में फिर से आ रहे हैं, हम लोग दर्शन करके आ रहे हैं और ये गाड़ी दर्शन के लिए निकल रहे हैं। और उसके बाद देखिए हमारा शाम का बर्थडे का, हस्बैंड के बर्थडे के लिए तैयारी, हस्बैंड ने खुद ये सब बनाया है, इस बार ज़्यादा लोगों को हम लोग नहीं बुलाए, बस एक ही जन था, उनका एक फ्रेंड है और हमारे घर के सामने जो सोनी है ना वो लोग हैं, और इन्हें ये सब कुछ काम करके फिर उनको ये तरबूज खाने का मन किया है तो तरबूज खाने लगे हैं। फिर उसी टाइम में मैंने वीडियो भी बना लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो तरबूज वगैरह खा के वो फिर खाना बनाने लगी है। मैं कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि मतलब मेरी तबीयत इतना ये हो गया था ना, तो मैं अभी खाना वगैरह अच्छे से नहीं बना पाती। और ये देखिए चिन्नी चिन्नी और इसके पापा आया है हस्बैंड को ये हैप्पी बर्थडे बोलने के लिए, जो भी का बहन है छोटी वाली, तो और इन्होंने बनाया है ये देखिए पनीर की सब्ज़ी, इतना अच्छा पनीर की सब्ज़ी बनाया है ना, बहुत ही अच्छा बनाया था। और सब्ज़ी एक ही बनाया क्योंकि इतना मर्दों को इतना नहीं होता है ना। और ये इनका एक केक है, केक लेके आया था, फिर हम लोग एक बात ही मेरे बर्थडे की तरह आप काटो तो फोन मेरा बर्थडे है, हाँ आपका बर्थडे है ना। कहाँ जाओगे? अरे जो भी फर्स्ट है बस जो भी है, काको को धमकी देने वाली आ गई। हां मेहमान तो जो भी है, जो भी है धमकी देने वाली छोटी है, ऐसे थोड़ा लगाना चाहिए। चलो हां आ इन्हीं बात ऊपर तक देना तेरे, ना ना अटला नहीं डाल आप दो जा, तुम भी जाओ। नहीं दीदी जाओ मुख लगा लो, मैं तो ले लगा मुख को लगाऊं थे मन थे तड़ी पूरी मुख ज्यादा मले थे वो न चल लगी।
और बर्थडे बोल के एक ही गेस्ट को बुलाया है, ये है देवेंद्र, इनका फ्रेंड है, ये भी अकेला है। तो इनको बोला कि इधर ही खाना खा लेना बोल के इधर इनको बुला लिया है। ऐसे बर्थडे बोल के हम लोग इतना धूमधाम से कुछ भी नहीं किया, क्योंकि घर में बीमार वगैरह होने से उतना अच्छा नहीं लगता है ना, और काम अगर मैं नहीं कर पाती तो इतने लोगों को बुला के क्या फ़ायदा। तो इसीलिए हम लोग एक ही जनों को बुलाया है। एक्चुअल में ऐसे बुलाना जैसा नहीं है, बस हम लोग ये हो गया है कि इनको उधर अकेले खाने से अच्छा है कि इधर खा लो। उनका जो फ्रेंड है ना वो गाँव गया हुआ है, तो बोल के उसको बुलाया है। बर्थडे बोल के कुछ खास कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये देखिए सिडनी को फर्स्ट ये केक खिला दिया है, आज सिडनी का फर्स्ट केक खाया हुआ हो गया, तो मुंह मीठा हो गया सिडनी का केक से। और ये जो भी की बहन है ना उसके पापा है, और ये रामू। तो कुछ इस तरह ही हम लोग ऐसे ही बर्थडे मना लिया है, ज़्यादा कुछ धूमधाम कुछ भी नहीं है। और हर चीज़ एक सिचुएशन जो उसके होता है, अच्छा माहौल होना चाहिए, अच्छा सब परिवार सही भी होना चाहिए, तभी अच्छा लगता है। और ये है हमारा खाने का आइटम जो हस्बैंड ने बनाया हुआ है, देखिए रोटी है, जीरा राइस है, फिर सलाद है, और ये पनीर की सब्ज़ी, बस उतना ही हमारा। और ये मतलब जलेबी, क्योंकि कुछ मीठा होना अच्छा लगता है ना, तो यही है हमारा बर्थडे का आइटम तो खाना। तो सब कैसे मैं ये वीडियो बनाया और ये लोग खाने का। तो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और शाम मंदिर का जो वीडियो है वो भी आप लोगों को दिखाया। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कमेंट जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।